शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिंगनघाट शहर में 3 दिन पहले भव्य कपड़े के शोरूम का उद्घाटन हुआ। कोरोना का प्रादुर्भाव रहते हुए भी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, तब उपविभागीय अधिकारी द्वारा 7 दिन की तालाबंदी की गई। शहर में 2 दिन पहले उद्घाटन होने वाले सागर मॉल कपड़े के भव्य शोरूम पे हिंगनघाट उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान खंडाई द्वारा कोरोना प्रादुर्भाव के रहते जो निर्देश दिए गए हैं उसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है। कोरोना प्रादुर्भाव रहते मॉल का भव्य उद्घाटन भी हुआ है, तब शहर के पुलिस विभाग द्वारा भी 2,000 रुपए का दंड उद्घाटन के पहले दिन किया गया था। 21 मई को फिर आज नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। दुकान को सील करना अनिवार्य था, लेकिन उपविभागीय अधिकारी हिंगनघाट द्वारा 7 दिन के लिए दुकान की तालाबंदी कर दी गई है। सागर मॉल द्वारा नियम की सारी धज्जियां उड़ाई गई थी, सामाजिक दूरता को भी बगल दी गई थी, ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था भी नहीं थी, शासन द्वारा दिए गए नियमों को ताक पर रखा गया था। विशेषकर यह मॉल जिस स्थान पर शुरू हुआ है वह मार्ग शासन के भीड़ वाले सूची में आता है, तब दुकान के सामने ग्राहकों की गाड़ियों की भीड़ रहती है, रोड में यातायात का भी सवाल खड़ा होता है। एक और प्रशासन की ओर से कोरोना प्रादुर्भाव के रहते लोगों की भीड़ किसी प्रकार कम की जाए यह प्रयास शुरू है, तब इस प्रकार की भीड़ जमा हो रही है। प्रशासन की ओर से क्या उचित कदम उठाए जाते हैं, 7 दिन की तालाबंदी करने के बाद पहले जैसी स्थिति हो जाएगी, यह कार्रवाई उपविभागीय अधिकारी हिंगनघाट और उनके चमू द्वारा दोपहर में की गई। उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान खंडाई इन्होंने इन बीसीएन को दी हुई समस्त जानकारी। पुलिस विभागामार्फत 2,000 फाइन ठोकला होता, त्याच्यानंतर आज तपासणी केली असता मोठ्या प्रमाणात तिथे गर्दी होती आणि सोशल डिस्टन्सिंगच्या त्यांनी नाव चालवण्यात गेला आहे आणि जे लोक येत होते त्यांना सॅनिटाईज फक्त बाजूला ठेवला आहे, पण कोणी त्याचा म्हणजे सॅनिटाईज हात नाही स्वच्छ करत नव्हते आणि सरळ ते अंदर जात होते आणि मोठ्या प्रमाणात काउंटरवरती मोठ्या प्रमाणात गर्दी होती, त्यामुळे ते आम्ही बंद करायला सांगितलं। त्यांचं आता म्हणणं आहे का हा माल जो आहे तो माल नसून फक्त कपड्याचं दुकान आहे, परंतु आमच्या माहितीप्रमाणे 3 मजली याच्यामध्ये कपडा आणि रेडीमेड आणि साड्या वगैरेचा हे आहे ते विकतात, आमच्या माहितीप्रमाणे तो मालच आहे आणि मालला तशी बंदी आहे, त्यामुळे माल ह्या अखेरीत त्याला उघडता येत नाही। त्यांचा काही याबाबतीत तक्रार असेल तर त्यांनी आम्हाकडे अर्ज करावा, आम्ही रेफरन्ससाठी माननीय जिल्हाधिकारी मुलेकडे ते पाठवतो, त्यांच्या निर्देशानंतर पुढील कारवाई होईल। हिंगनघाट से इनबीसीएन न्यूज के लिए रवी एनोरकर की रिपोर्ट।